देखिए घोसी की जनता ने जो फैसला दिया है, जो रिजल्ट आ रहा है, हम उसका स्वागत करते हैं। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। 6 राज्यों के 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में 3 सीटें बीजेपी के खाते में और दूसरी तरफ 4 सीटें विपक्ष के खाते में जाती हुई सी दिख रही है। चूंकि अभी चुनाव परिणाम सिर्फ त्रिपुरा का आया है, इसलिए अदरवाइज लगभग ये पक्का है। सबसे चौंकाने वाले जो नतीजे हैं वो घोसी के। सिर्फ ये चौंकाने वाले नतीजे नहीं कि घोसी में सपा जीत गई, बीजेपी हार गई, चौंकाने वाले नतीजे ये है कि 50,000 से अधिक मतों के अंतर से बीजेपी के कैंडिडेट दारा सिंह चौहान हारे हैं। वो आए थे पाला बदल करके समाजवादी पार्टी से बीजेपी में, और उसके पहले 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान वो पाला बदल करके बीजेपी से गए थे समाजवादी पार्टी में। फिर अब की बार क्या कि सपा से आ गए थे बीजेपी में। लोगों ने दल बदलू को ठुकराया ही नहीं, बहुत बुरी तरीके से ठुकराया है और हरा दिया है 50,000 मतों के अंतर से। इसमें जो है सबसे ज्यादा जो ढूंढ मची हुई थी वो ओपी राजभर, जी हाँ, सुभाषपा वाले ओपी राजभर, जिन्हें की पियर का चचा भी बोलते हैं, बहुत बढ़ बढ़ करके बोल रहे थे, दावे कर रहे थे। उनकी ढूंढ मची हुई थी कि वो क्या बोल रहे हैं 50,000 से हार पर। वो तो कह रहे थे कि सपा की जमानत बामुश्किल बचेगी और 11 बजे तक तंबू उखड़ जाएगा। तो अब सुनिए उन्हीं की जुबानी कि पियर का चचा यानी कि ओपी राजभर क्या बोल रहे हैं। देखिए घोसी की जनता ने जो फैसला दिया है, जो रिजल्ट आ रहा है, हम उसका स्वागत करते हैं। और एक बात जरूर कहूंगा कि ईवीएम विपक्ष जब हारता है तो ईवीएम का दोष देता है। अब तो ये प्रमाण हो गया कि ईवीएम सही है जी। और एनडीए की सरकार में निष्पक्ष चुना हुआ, ये प्रमाण विपक्ष खुद दे रहा है। लगातार आप जमे रहे वहां पर और जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं उसमें समाजवादी पार्टी कर रहे थे। देखिए जो कमी रह गई है उसको हम लोग अध्ययन करके उस कमी को दूर करने का प्रयास करके आगे 24 की लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे। सुना आपने, कह रहे हैं ये लोकतंत्र है और इसमें जनता का जो भी फैसला होता है वो सिर आंखों पे, उसका सम्मान है, उसका स्वागत है। हर राजनेता और राजनीतिक दल यही बोलता है। हार के बाद उसके पास ये बोलने के अलावा कोई विकल्प भी नहीं बचता है, क्योंकि अगले चुनाव में फिर उन्हीं के पास आपको जाना है। लिहाजा जनता के फैसले को ये भी सिरोधारी कर रहे हैं, उसका स्वागत कर रहे हैं। और पार्टी ये भी बोलती है कि कहाँ चूक हो गई, कहाँ कमी रह गई, उसका हम विश्लेषण करेंगे, उस पर मंथन करेंगे, उसे करेक्ट करेंगे। तो देखते हैं कि ओपी राजभर और बीजेपी कैसे अपनी गलतियों को सुधारते हैं, क्योंकि 50% आसपास वोटिंग होती है और उसमें यदि सपा का कैंडिडेट या यूं कहे कि INDIA का कैंडिडेट इतने मतों के अंतर से, यानी कि 50,000 के मतों के अंतर से जीतता है, तो बात तो बहुत चौंकाने वाली है। रहिए बेखबर, देखते रहिए। थैंक यू।